हाय फ्रेंड, मैं हूँ ममता विश्वकर्मा। मैं आज लाई हूँ कुछ मीठा। मीठे में ये है कि चुकंदर का हलवा। तो आप ये रेसिपी पूरा देखिए, मैं किस तरीके से बनाती हूँ आज चुकंदर का हलवा। तैयारी करने जा रहे हैं। ये है 1/2 किलो चुकंदर। तो हम इसको अब इसको काट के अच्छी तरह से छील के लेंगे। तो हम ये वीडियो आपको दिखाते हैं हम किस तरीके से काटते हैं। सकते हैं मैंने इसको छील के अच्छी तरह से धो दिया है। इसके आगे और पीछे का मैंने कट करके इसको अच्छी तरह से छील के इसको धो दिया है। अब इसको हम करेंगे कद्दूकश। आप देख सकते हैं मैंने कद्दूकश कर दिया है और इसे मैंने बारीक वाले कद्दूकश से किया है। तो आप भी इसी तरह कद्दूकश कर लीजिए। अब इसके आगे का जो है स्टेप मैं वो बताती हूँ आपको। हाय गाइस, आप देख सकते हैं मैंने कचुंबर का हलवा बनाने जा रही हूँ। तो हमने पैन चढ़ा दिया है और गैस चालू कर दिया है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। और ये घी हमने घर पे ही बनाया है, हम बाहर से नहीं लाए हैं, हम घर पे ही बनाए हैं घी। तो घी अच्छी तरह से पिघल जाएगा तो हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ चुकंदर। तो देख सकते हैं घी अच्छी तरह पिघल गया है तो हम इसमें डालेंगे चुकंदर। आप देख सकते हैं मैंने सारा डाल चुकी हूँ। तो अभी हम इसको एक साथ इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसको हम 5 मिनट तक अभी ढक देंगे और इसको मीडियम आंच पे ही करना है। 5 मिनट बाद क्या इसका रिजल्ट आया है देखिए। इसको हम और 5 मिनट अच्छी तरह ढक के पकाएंगे। कितना कम हो चुका है, हमने जितना डाला था ये कम हो चुका है। तो इसको थोड़ा और हम पकाएंगे, थोड़ा और सॉफ्ट करेंगे इसको और हम पकाएंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत कम हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे दूध, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ठीक है। अब इसको हम इसमें डालेंगे दूध। और दूध हमने लिया है कुछ 1 कटोरी से थोड़ा कम और हम इसमें ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसमें। वाओ, कितना मस्त कलर है, थोड़ा देखिए इसका पिंक। अब इसको हम पकाएंगे, दूध के साथ ही पकेगा और इसको हम ढकेंगे नहीं, इसको हम खुले ही पकाएंगे। देखते हैं, मैं बीच में इसको 2 बार चला चुकी थी तो आप देख सकते हैं दूध अच्छी तरह से इसमें पक चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे शक्कर। शक्कर हम 1-4 चम्मच डालेंगे। इसमें हम थोड़ा ही शक्कर डालेंगे क्योंकि हम चुकंदर खुद ही मीठा होता है। तो अभी हम इसमें डालेंगे इलायची
पाउडर और कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हैं, ये भी मैं डालूंगी इसमें। तो अब इसको अच्छी तरह हमें मिक्स करना है और शक्कर को अच्छी तरह से अभी हमें पकाना है। अभी इसे हम ढक देंगे। अब हम 5 मिनट बाद देंगे। अभी हम देखते हैं शक्कर डालने के बाद इसका क्या रिजल्ट है। देखिए शक्कर भी अच्छी तरह से पक चुका है। इसको और हम 2 मिनट पकाएंगे, फिर उसके बाद करेंगे गैस को बंद और 2 मिनट पकाएंगे हम इसको और बंद और 2 मिनट पकाने के बाद हम करेंगे गैस को बंद और इसको एक कटोरी में या बाउल में निकाल लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मेरा हलवा रेडी हो चुका है। मैंने इसको डेकोरेशन भी कर मतलब उसके ऊपर सजा भी दिया है। तो अगर आपको मेरा हलवा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके बाय, गुड नाइट।